हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। ठीक, हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो बोला था कि तीन प्रकार के कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिनिश कर लिया, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर भी फिनिश कर लिया, आज हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर करेंगे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, ना के बराबर है ना, रेयरली इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बट आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन। सो लेट्स सी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमने एक सिलेंडर लिया, और कैसे रहेंगे बच्चों, मेटालिक यानी कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग है, और एक और सिलेंडर लिया, ठीक है, दोनों कैसे हैं बच्चों, कोएक्सियली है, ठीक है, और ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो ऑब्वियसली जब हम ये ध्यान रहे है ना, दोनों क्या है, कंडक्टिंग है, ठीक है, और कैसे प्लेस्ड है, कोएक्सियली प्लेस्ड है, ठीक है, कोएक्सियली, दोनों का एक्सिस क्या है, कॉमन है, ये दिस इज द एक्सिस, ठीक है, टू सिलेंडर्स आर कोएक्सियली प्लेस्ड, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, सपोज दे आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, मान लो कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, ये दो बातें हमने मानी, ठीक है, कोएक्सियली प्लेस्ड है और वो कैसे हैं, कंडक्टिंग है, नेचर कैसा है उनका, कंडक्टिंग, कंडक्टर है, ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, ठीक है, हमने ऐसे दो कंडक्टिंग सिलेंडर्स को कोएक्सियली प्लेस कर दिया। अब अंदर वाले को, जो अंदर वाला सिलेंडर है, अच्छा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि कंडक्टर है ना, तो ये क्या होगा, पूरा लेंथ वाइज इसके, ठीक है, पूरा लेंथ वाइज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर, चार्ज, ठीक है, तो मान लो इस पर कितना चार्ज है, प्लस लैम्डा है ना, और इस पर कितना आ जाएगा, और इस बाहर वाले को क्या कर दिया गया है, ग्राउंडेड, ठीक है, आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड, ठीक है भाई, आउटर सिलेंडर को हमने ग्राउंड कर दिया है, तो ऑब्वियसली जो इसका बाहरी सरफेस है, आपको पता है ना, जो जिसको आप ग्राउंडेड कर देते हो उसका आउटर सरफेस पे क्या आ जाता है, जीरो है ना, तो इस पर तो जीरो होगा, ठीक है, लेकिन इस पे क्या होगा बच्चों, माइनस लेमडा है ना, इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से यहां पर प्लस लेमडा, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस लेमडा आ जाएगा, ठीक है, तो इस पर प्लस लेमडा है और इस पर माइनस लेमडा है, अंडरस्टूड, ठीक है, तो इतनी कहानी हमें समझ में आएगी, उस पर प्लस लेमडा है और इस पर माइनस लेमडा है, ठीक। अब देखो तो हमारा जो कैपेसिटर का फंडा है ना, कैपेसिटर का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि कैपेसिटर जब हम बनाते हैं है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या इस टाइप के है ना, जिसमें देखो पैरेलली प्लेस्ड हो, उसका कंसेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रीजन में बांधना, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रीजन में कॉन्सेंट्रेट करना, कन्फाइन करना, ये उसका मकसद होता है। तो देखो क्या ये मकसद यहां पर पूरा हो रहा है, देखो ये जो अंदर वाला सिलेंडर है उसके अंदर फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, एक बात समझ में आ गई, तो इसके अंदर का फील्ड क्या है, जीरो है। इसके बाहर देखो, इसके बाहर में, ठीक है, कहीं पर भी अगर देखोगे, सपोज मैं इस पॉइंट को देखता हूं है ना, यहां पर क्या होगा फील्ड, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे है ना, गॉसियन सरफेस बना लेंगे
और गॉस लॉ यूज करेंगे। तो गॉस लॉ यूज करने पर क्या होता है भाई, ई डॉट डी आर इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट सॉरी डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, क्यू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा बच्चों उसी को हम लोग क्यू इन बोलते हैं। तो क्या यहां पर इनक्लोज चार्ज होगा, क्योंकि ये प्लस लैम्डा ये माइनस लैम्डा एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर लेगा, है ना, तो नेट चार्ज जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, नेट चार्ज जीरो आएगा तो फील्ड भी क्या आएगा, जीरो आएगा, तो बाहर जो है ना, बाहर जो है वो भी फील्ड क्या है, जीरो है, तो जो इनर मोस्ट सिलेंडर है उसके अंदर भी फील्ड जीरो है, बाहर जो है उसके अंदर भी बाहर जो है वहां पर भी फील्ड जीरो है, तो फील्ड है कहां, फील्ड है भाई प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, है ना, इस तरीके से फील्ड है। तो देखो क्या ये फील्ड जो है वो एक निश्चित रीजन में, है ना, एक डेफिनेट रीजन में बाउंड हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही रीजन में बाउंड हो गया, यही तो होता है कैपेसिटर का पर्पस, तो दैट पर्पस इज बीइंग फुलफिल्ड हियर, ठीक है, वो पूरी फुलफिल हो रही है जो भी हमारा पर्पस था कैपेसिटर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में ही है, ठीक है, तो एनर्जी भी हमारा इतने रीजन में ही स्टोर होगा, क्लियर। अब हमें क्या करना है भाई, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मान लो बच्चों कि ये जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल a, और जो बाहर वाला रेडियस है उसका है मान लो b, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं कि कोई एक पॉइंट पकड़ता हूं इसके बीच में, ठीक है, कोई एक पॉइंट पकड़ता हूं यहां से r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, तो बच्चों यहां पर आप क्या कर सकते हो, कंसेप्ट लगा सकते हो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, लगा सकते हो, क्योंकि जो वायर होते हैं उसका भी शेप साइज कैसा होता है, सिलेंडर के जैसा होता है, ठीक है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर की वजह से सॉरी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड कितना हुआ करता था, ठीक है, तो यहां पर फील्ड मान लो ई है, तो वो ई कितना होगा, याद करो हमने पढ़ा है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये वहां पर फील्ड होता है, ठीक, अच्छी बात है, ये हमें समझ में आ गया कि वहां पर फील्ड कितना है, इतना है, ओके। नाउ व्हाट हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है डीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, पढ़ा है हमने पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, डीवी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, माइनस ई डॉट डी आर। अच्छा यहां पर माइनस साइन किस लिए होता है, माइनस साइन, है ना, माइनस साइन डायरेक्शन बताने के लिए होता है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना है, ई डॉट डी आर। क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये ऑटोमेटिक दिख रहा है, ऑटोमेटिक दिख रहा है, पूछो कैसे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है और हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर होता है, पढ़ा है ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा तो फील्ड क्या पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो मतलब यहां जितना पोटेंशियल था डिक्रीज होकर के यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इधर वाला पोटेंशियल हाई है, इधर वाला पोटेंशियल लो है, समझ गए क्या, तो हायर पोटेंशियल यहां है, लोअर पोटेंशियल यहां है। तो मान लो बच्चों कि यहां का पोटेंशियल क्या है, V, और चूंकि ये वाले को ग्राउंड कर रखा हूं बच्चों तो ऑब्वियसली यहां का पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हायर माइनस लोअर, V माइनस जीरो यानी V, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया, आसानी से मिल गया भाई। अब E डॉट डी आर करना है ना, E डी आर, तो हम किधर से किधर गए बच्चों, इधर से इधर गए, तो उधर E और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली E डी आर हो जाएगा, क्लियर है, सिंपली ई डी आर हो जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेशन e की वैल्यू क्या आई हुई है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक करोगे, ए से बी, फील्ड कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक ही है ना बस, तो ए से बी तक,
तो देयर फोर पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास लेमडा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कॉमन है ले लेंगे, ठीक है, डी आर बाय आर ए से बी, तो ये आया हमारे पास लेमडा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन है ना बी माइनस एल एन ए, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों लेमडा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाय ए, ओके वी इक्वल्स टू लेमडा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाय ए, अंडरस्टूड, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, मान लो कि इस सिलेंडर का एक पार्ट कंसीडर कर लेते हैं सपोज, ठीक है, इतना पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, तो एक सर्टेन रीजन अगर लूंगा सर्टेन साइज लूंगा इसका, तो मान लो ये इसका लेंथ कितना है कैपिटल एल है, ठीक है, मान लो इसका लेंथ कितना है कैपिटल एल है, तो इतने पार्ट में कितना चार्ज होगा, इतने पार्ट में कितना चार्ज होगा, तो Q इक्वल्स टू है ना, क्या होता है बच्चों लेमडा इंटू एल होता है, आ रही बात समझ में, क्या होता है लेमडा इंटू एल होता है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो लेमडा इंटू एल होता है तो इस पर ये वाला जो अंदर वाला है उस पर क्या है प्लस Q होगा और जो इधर होगा वो माइनस Q होगा, समझ आ रहा है, इस पर प्लस Q होगा और इस पर माइनस Q होगा। कैपेसिटर पर का चार्ज कौन कहलाता है, कैपेसिटर पर का चार्ज कहलाता है कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज क्या है प्लस Q, ठीक है, तो उसी को हमको क्या मानना पड़ेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने पढ़ा है बच्चों कि अगर आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो सिंस C बराबर क्या होता है Q बाय V होता है ना, तो Q कितना है लेमडा L है और V कितना है, V देखो यहां से आया हुआ है लेमडा, ठीक है, लेमडा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाय ए, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है, टू पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय एल एन बी बाय ए, ठीक है, देयरफोर कैपेसिटेंस क्या आया टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय एल एन बी बाय ए, ठीक है, सो दिस इज द कैपेसिटेंस है ना ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाय ए, एल एन बी बाय ए, अंडरस्टूड, क्लियर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, एल को अगर नीचे ले आऊंगा, अगर मैं एल को नीचे ले आऊंगा तो इसको क्या पढ़ूंगा बच्चों, सी बाय एल इक्वल्स टू टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाय ए, है ना, इस तरीके से भी बोल सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, है ना, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाय ए, टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाय ए, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्लियर, तो दिस इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इतनी ही पढ़ाई करनी है आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के ऊपर, इस पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। बच्चों अभी तक हमने जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़े हैं, ठीक है, हमने अभी तक जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़े हैं तो उसमें क्या होता था, दो प्लेट्स होते थे, दो प्लेट्स होते थे, ठीक है, दोनों का फिक्स एरिया होता था और दोनों के बीच में एक फिक्स विड्थ होती थी, ठीक है, इस तरीके का, तो हमारे पास कैपेसिटेंस बहुत ही आसानी से आ जाता था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना बच्चों, लेकिन अगर
इसमें जो विड्थ है वो वेरिएबल हो, यानी गैप जो है अगर वो वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे, तो ऐसा एक एग्जांपल हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, सपोज आपको एक एग्जांपल गिवन है कि ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कुछ हो। क्लियर है बच्चों? तो इसमें क्या दिख रहा है, दो प्लेट है ना, दो प्लेट कंप्लीटली पैरेलल नहीं है ना। अभी तक क्या होता था, दो प्लेट कंप्लीटली पैरेलल होते थे तो डी हर जगह पर क्या होता था, सेम होता था। बट नाउ व्हाट है ना, अब देखो यहां पर दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं दिख रहे हमको, दिख रहे क्या? तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सी, अगर मान लो बच्चों कि इसकी लंबाई है ना क्या हो, ए हो, और इसकी चौड़ाई समझ लो बी हो, ठीक है, और ठीक है ये सपोज वाई नॉट है और इधर ये कितना है, टू वाई नॉट है। ठीक है, इधर की हाइट कितनी है, टू वाई नॉट है। अंडरस्टूड? इस तरीके का आपको प्रॉब्लम है ना, आपको निकालना है इसका कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो चलो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों कि इधर जाएंगे है ना, एक्स पर जाकर के एक छोटा सा कैपेसिटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, छोटा सा कैपेसिटेंस, ठीक है इस तरीके का। तो इसकी चौड़ाई हमने मान लो कितनी ले ली, dx। ठीक है बच्चों, तो यहां एक कैपेसिटर बनेगा, एक ये प्लेट है ना, एक ये छोटा सा प्लेट रहेगा, और ये चूंकि इनफाइनाइटली स्मॉल है तो ये वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट आपको क्या दिखेगा, पैरेलल प्लेट दिखेगा है ना। ये जो छोटा सा पार्ट काटेंगे वो आपको ऑलमोस्ट क्या दिखेगा, पैरेलल दिखेगा। तो ये जो प्लेट है उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा देखो लंबाई, ये चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई है बी, तो बी, और ये लंबाई कितनी है, डी एक्स, तो बी इंटू डी एक्स, इतना इसका क्या हो गया, ये हो गया। अब इसकी हाइट कितनी हुई, इसकी हाइट हुई ये वाला वाई नॉट है ना, दिस वाई नॉट है ना, यहां तक तो वाई नॉट है ही, साथ में ये एक और हाइट आ रही है ये वाला, ठीक है यहां तक y नॉट है बच्चों, दिस इज y नॉट एंड दिस इज सपोज y डैश, ठीक है ये सपोज y डैश है। अंडरस्टूड? तो y नॉट और y डैश, तो ये किसका काम करेगा बच्चों, d का काम करेगा है ना, d इक्वल टू क्या होगा, y नॉट प्लस y डैश। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये जो एक छोटा कैपेसिटर फॉर्म हुआ, एक एलिमेंटल कैपेसिटर फॉर्म हुआ, उसका गैप मिल गया और उसका एरिया मिल गया, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे एक छोटे से कैपेसिटेंस का। फिर ऐसे कितने कैपेसिटेंस बनेंगे यहां से लेकर के यहां तक, तो आप क्या करोगे, जीरो से लेकर के ए तक उसको इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अभी सबसे बड़ा सवाल है कि ये वाई डैश कैसे फाइंड करेंगे।
y डैश कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई अपन क्या करेंगे, यहां पर एक एंगल मान लेते थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल हमने मान लिया तो क्या ये हम थीटा फाइंड कर सकते हैं? तो चूंकि tan थीटा इक्वल्स टू है ना, अब देखो बच्चों ये यहां पर y नॉट है और यहां पर 2y नॉट है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा बच्चों, y नॉट होगा। और चूंकि ये a है तो ये भी क्या होगा बच्चों, a होगा। तो हमको tan थीटा तो मिल जाएगा y नॉट बाय a। अच्छा अब इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में तो यहां भी तो थीटा वही है ना, वही tan थीटा फॉर्म होगा, लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर क्या है y डैश और बेस क्या है ये देखो x, ठीक है x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y डैश बाय x, तो देयरफॉर हमें y डैश मिल जाएगा क्या, y नॉट x बाय a कर दिया, ठीक है। देखो हमें y डैश मिल गया, तो जब y डैश मिल गया तो इसका d भी मिल जाएगा हमें, तो y नॉट प्लस y डैश कितना है बच्चों, y नॉट x बाय a, y नॉट ले लो कॉमन, 1 प्लस x बाय a, ठीक है, 1 प्लस x बाय a, ये आ गया आपका उसके बीच का गैप, ठीक है। तो अब चीजें काफी आसान हो जाती है, तो इसके बीच जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा एलिमेंटल कैपेसिटेंस है ना, बहुत छोटा कैपेसिटेंस, उसको मैंने डीसी बोल लिया। तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों एप्सिलॉन नॉट है ना एरिया, एरिया देखो कितना है इसका बी डी एक्स, तो ये हो गया बी डी एक्स, एप्सिलॉन नॉट ए हो गया अपॉन डी, डी कितना है देखो वाई नॉट वन प्लस एक्स बाय ए है ना, ये एक छोटे से कैपेसिटेंस का, छोटे से एलिमेंट का कैपेसिटेंस निकला। तो आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट करना पड़ेगा है ना, तब आएगा क्या आपको टोटल कैपेसिटेंस कहां से कहां तक, तो x देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चों, जीरो से लेकर के a तक, ठीक है, जीरो से लेकर के a तक। तो बस हो गया, इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आ जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। चलो सी टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा इसको है ना, इसको ले रहा हूं यहां पर डीसी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से ए एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स बाय वाई नॉट वन प्लस एक्स बाय ए, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट बी ये और वाई नॉट ये सब कांस्टेंट टर्म्स है, बाहर कर लिया मैंने, बचा क्या बच्चों dx by 1 plus x by a, ठीक है, dx by 1 plus x by a, 0 से a। अब देखो बच्चों ये थोड़ा इस टाइप की इंटीग्रेशन हमको डायरेक्टली नहीं पता है ना, इस टाइप के इंटीग्रेशन हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, मतलब इसके डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होते, जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो आप क्या करोगे इसका, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको लगाएंगे, ठीक है। चलो लेट वन प्लस एक्स बाय ए को मान लिया समथिंग आर, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ बच्चों, ठीक है, वन का क्या हो जाएगा जीरो, वन बाय ए है ना, ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी आर, और आर का क्या हो जाएगा वन, आर के साथ डिफरेंशिएट किया तो वन कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया है ना, वन बाय ए, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी आर, और आर का क्या हो जाएगा आर के साथ वन, तो ये आया बच्चों डी एक्स बाय ए डी आर इज इक्वल टू वन, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए डी आर। तो अब जो यहां पर डी एक्स है बच्चों, ये डी एक्स है ना, इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, चलो रिप्लेस कर लेता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीसी कर लोगे तो टोटल सी मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी बाय वाई नॉट इंटीग्रेशन डीएक्स के बदले क्या रख सकता हूं मैं ए डी आर, और वन प्लस एक्स बाय ए को क्या माना है हमने आर, तो यहां आ गया आर, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट ए भी कांस्टेंट है बच्चों, ये बाहर ले लेंगे, ए बी बाय वाई नॉट ए बी बाय वाई नॉट, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन डी आर बाय आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय वाई नॉट, और ये हो गया आपका एल एन आर, ठीक है बच्चों एल एन आर, तो एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय वाई नॉट एल एन आर की वैल्यू क्या थी देखो, इसको वापस रिप्लेस कर लेते हैं, वन प्लस एक्स बाय ए, और एक्स के लिमिट्स क्या थे जीरो से ए, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय वाई नॉट एल एन वन प्लस
एक्स की वैल्यू पहले ए रखोगे बच्चों, ए बाय ए माइनस एल एन वन प्लस एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो भाई ये आया हमारे पास पास ए बाय ए वन हो गया, वन प्लस वन टू हो गया, और एल एन वन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो। ठीक है, एल एन वन की वैल्यू होती है जीरो, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो आया हमारे पास क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय वाई नॉट एल एन टू, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय वाई नॉट, अंडरस्टूड, एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय वाई नॉट इंटू एल एन टू, क्लियर है। तो बच्चों आज की सभा यही समाप्त करते हैं, अब हम कैपेसिटर चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, एक से दो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी फिनिश कर लें।